तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के एक आईपीसी एरर के बारे में बताऊंगा जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस एरर का बता देता हूं कि वो एरर किस तरह से दिखता है या किस तरह से आपके पास आता है। तो मैं यहां पे फोटोशॉप को यहां पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अडोब आईपीसी ब्लॉकर के नाम से एक एरर आ रहा है जो आपके जब भी आप फोटोशॉप ओपन करोगे तब आएगा या फिर जब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करोगे तो तब आएगा। तो इसको बार बार ओके करने की बजाय आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं अदीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये एरर आपके पास थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके डिस्प्ले पे शो होता रहेगा। तो इसको कैसे ख़त्म करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद लोकल डिस्क सी में चले जाना है। लोकल डिस्क सी के बाद आपके पास यहाँ पे दो फाइलें आएंगी, एक हमारे पास है प्रोग्राम फाइल, एक है प्रोग्राम 86। तो आपने 86 वाले को ओपन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ पे कॉमनो फाइल के नाम से एक फोल्डर है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमारे पास एक अडोब का फोल्डर आएगा। अडोब के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा OOBE का फोल्डर है, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद DP ऐप, और DP ऐप के बाद ये आ गया हमारे पास वो IPC। IPC आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको यहाँ तक आने में कोई मसला आ रहा हो तो आपने क्या करना है, लोकल डिस्क सी को ओपन करके यहाँ पे आपने सर्च कर देना है। आपने यहाँ पे आके लिख लेना है IPC और इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सर्च करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इससे अच्छा है कि आप अपने लोकेशन को, मैंने बता दिया, आप सीधा डायरेक्ट लोकेशन से जाके इसको ओपन कर सकते हो। तो इसको ओपन करते ही आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, मैं IPC वाला फोल्डर ओपन करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे अडोब के कुछ ये ब्लॉकर है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये डिलीट हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या अब भी हमारे पास ये एरर देता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास हर जो 30 सेकंड बाद 40 सेकंड बाद वो IPC ब्लॉकर और अडोब का एरर आ रहा था, वो परमानेंटली यहाँ पे खत्म हो गया। अब वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर और कोई आपको प्रॉब्लम हो किस सॉफ्टवेयर के हवाले से तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।